सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में मॉरिशस के भुवासन साहब से। और आज यहाँ पे काफी दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश हो रही है, तो कहीं आने जाने को नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है। तो आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है भुवासन मेट्रो स्टेशन से। और ये है मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो भुवासन से क्यूपिप जा रही है, ये यहाँ से रुजिल से फोनेक्स होके ये लास्ट क्यूपिप सेंटर जाएगी। और ये मेरे सामने है भुवासन चर्च, मेट्रो स्टेशन के सामने है यहाँ पे ये चर्च। और इसके आगे यहाँ पे है ये भुवासन पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे है भुवासन टैक्सी स्टैंड, यहाँ से आप कहीं के लिए भी टैक्सी ले सकते हैं यहाँ से। और अब चलते हैं यहाँ से और आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ। थोड़ी देर आगे चलने के बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शॉप्स और फास्ट फूड, और इसके और आगे है यहाँ पे, ये है यहाँ पे वावे का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी आइटम्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलते हैं। और इसके ये सामने आप देख रहे हैं, ये है यहाँ भुवासन का टैंक मार्केट जो कि काफ़ी बड़ा है। और इसके ठीक सामने है यहाँ पे MCB बैंक जो कि आपको अभी देखने को मिलेगा इस तरफ। और ये है यहाँ का MCB बैंक जो कि सबसे नज़दीक पड़ता है भुवासन में, नहीं तो इसके बाद सीधा रुजिल जाना पड़ता है जिसको भी बैंक का कोई काम होता है, तो ये बैंक सबसे नज़दीक पड़ता है यहाँ पे। और ये टैंक मार्केट है, ये काफ़ी बड़ा टैंक मार्केट है। और इसके सामने ये है यहाँ पे पेट्रोल पम्प, और यहाँ पे पेट्रोल पम्प पे गैस वगैरह भी भराए जाते हैं। और ये गैस यहाँ पे मॉरिशस में गैस काफी सस्ता है। थोड़े और आगे चलने के बाद कुछ देरी पर यहाँ आगे इस तरफ है भुवासन मेडिकल स्टोर जो कि गवर्नमेंट का ही है, यहाँ से अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। और यहाँ पे है और एक चर्च इस तरफ, और मेरे बाएं साइड में यहाँ पे गैलेक्सी शॉप जो कि आप देख रहे हैं, और उसके बाजू में यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है जो कि आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से और आगे चलने के बाद हम आगे और कुछ आपको दिखाएंगे। और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मौसम थोड़ा साफ हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो बारिश हो रही है, तो ऐसा लग रहा है अब शायद बारिश बंद हो जाए क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे काफ़ी जोर की बारिश चल रही है। और यहाँ पे एक भुवासन में हो रहा है पेट्रोल पंप है, यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप्स है जैसे यहाँ मैं कभी इस रूट पे पैदल नहीं चला हूँ, लेकिन आज ऐसे ही पैदल चलने को मन करा तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए यहाँ से एक ब्लॉग बना लें। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा करके इस रूट पे पैदल नहीं आता हूँ, हमें जब भी आना होता है तो हम सीवेल से सीधा बस पकड़ के रुजिल या जहाँ भी जाना होता है तो सीधा बस से आना जाना होता है यहाँ पे। वो बस मॉरिशस में वैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस टैक्सी या मेट्रो का इस्तेमाल होता है,
मेट्रो भी अभी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है मॉरिशस में, लेकिन अभी धीरे धीरे हर जगह पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो शायद कुछ टाइम के बाद हर एक कोने पे मॉरिशस में मेट्रो का आना जाना हो जाएगा। और अभी यहाँ पे 7 बज चुके हैं शाम के, और ये मेरे सामने है यहाँ पे ढाका स्टोर, और ये इस तरफ जो ये रूट जा रहा है ये है रुजिल के लिए, और इस तरफ आप ये देख रहे हैं ये है एसएस कॉलेज बुबासन, और मेरे सामने है यहाँ पे तुलसी श्याम मंदिर जो कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा है, क्योंकि तुलसी श्याम मंदिर हमारे हर एक वीडियो में होता है, क्योंकि ये मेन रोड पे है, तो जहाँ भी हमारा आना जाना होता है तो यहाँ मेन रोड से हम लोग आना जाना करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बने रहे और हम पर भी बने रहे, तो तुलसी श्याम मंदिर हमारा हर एक वीडियो में होता है। अब हमें जाना है सुपरमार्केट की तरफ, जो इंटरमार्ट है सिविल का इंटरमार्ट, थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं इंटरमार्ट के गेट पे, और ये है सिविल का इंटरमार्ट जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और इसके सामने ये है यहां पे कार पार्क, जो कि यहां पे आप अपनी कार पार्क करने के बाद अंदर इंटरमार्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था आज का वीडियो।